जनपद जालौन के कोंच तहसील सभागार में पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से कोंच के जूनियर डिवीजन न्यायाधीश की प्रोन्नति एवं स्थानांतरण पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सिविल जज महोदय ने बताया, स्थानांतरण सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग है और सेवा के दौरान जहां भी वह रहते हैं वहां पर लोगों से आत्मीय रिश्ता कायम हो जाता है, लेकिन कोंच नगर वासियों ने जो प्यार दिया है उनके वह आभारी रहेंगे। तो वही कोंच उप जिला अधिकारी मोइनुल इस्लाम ने उद्बोधन में कहा कि न्यायाधीश महोदय अपनी देर तक कार्य करने वाली शैली के लिए याद किए जाएंगे, क्योंकि जनता को हमेशा निष्पक्ष और समयबद्ध न्याय देना उनकी प्राथमिकता रही है और आशा करते हैं आगे भी ये सबको निष्पक्ष न्याय देते रहेंगे। और मेरे ग्रह जनपद में यदि प्रमोशन पाकर मेरे ग्रह जनपद में अपनी सेवाएं देंगे और निसंदेह जो आयाम आपने यहाँ स्थापित किया है, जो कीर्ति आपने यहाँ प्राप्त की है, मुझे आशा है, मुझे विश्वास भी है कि वही आयाम और वही कीर्ति आप वहां भी प्राप्त करेंगे। सर्दी कप्तानी में हम लोगों ने क्रिकेट मैच भी खेला था, तो हमें ये भी आशा है कि आदरणीय न्यायाधीश महोदय डिस्ट्रिक्ट जज बनकर कभी मैं वापस आएंगे जनपद में और हो सकता है कि उनकी कप्तानी में एक मैच फिर आयोजित हो और जो कभी उधर रह गई थी वो कभी तब पूरी कर दी जाएगी। तो उसमें अवसर पर मनवा जरूर कहूंगा, कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी और मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर बुला पाएंगे। आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय, पंचासीन हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महंत जी अग्रवाल जी, कोच पास एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बघेल जी, त्रिपाठी जी, कोतवाल साहब और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अंजलि श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम का बड़ा सुंदर संचालन कर रहे हमारे उदयनिया जी और यहाँ हमारे सम्मानित प्यारे और अति आदरणीय हमारे अधिवक्ता बंधुओं और पत्रकार बंधुओं, देखिए कहा जाता है नीड आप एडवोकेट, एक आवश्यकता का सोपान होता है, यानी कि हर व्यक्ति जिस स्तर पर होता है उस स्तर पर उसकी जो आवश्यकता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। आवश्यकता के जो सोपान होते हैं नीचे दूसरे होते हैं, रोटी कपड़ा मकान धन संपत्ति वैभव कीर्ति, एक तो है सोपान, एक बेचारा कई दिनों से उसको भोजन नहीं मिला, आप सुंदर से उसको मालाएं पहनाइए, खूब उसका स्वागत सत्कार करिए।